तो कैटरीना के साथ सलमान ने अपना स्वैग क्या दिखाया, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया। स्वैग से करेंगे सबका एक तरफ जहां सलमान और कैटरीना की हॉट हॉट केमिस्ट्री अपना रंग दिखा रही है, फैंस के दिलों पर छा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सलमान के इस पार्टी एंथम ने YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सॉन्ग का रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ, एड शेरन और लुई फॉन्सी जैसे ग्लोबल स्टार्स को पीछे छोड़ते हुए सलमान खान बन गए हैं यूट्यूब के बादशाह। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आपको बता दें कि एड शेरन के सॉन्ग परफेक्ट को 24 घंटे में तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखा था। तो वहीं लुई फॉन्सी के सॉन्ग का लुत्फ लगभग 9 करोड़ लोगों ने उठाया था। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। लेकिन जिस स्पीड से लोग सलमान और कैटरीना के सॉन्ग को बार बार देख रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इन दोनों स्टार्स की सलमान जल्द ही छुट्टी करने वाले हैं। वैसे भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सॉन्ग का रिकॉर्ड तो पहले ही बना चुके हैं सलमान। सलमान के स्वैग सॉन्ग को 24 घंटे में 11 करोड़ लोगों ने देखा, जिसके बारे में फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बताया। सलमान के फैंस ये खबर सुनकर काफी खुश होंगे। आखिर बार बार इस गाने को देखकर ही तो उन्होंने सलमान को इस मुकाम पर पहुंचाया है। सलमान के फैंस के लिए हमारे पास है दो खुशखबरी और भी। पहले ये कि सलमान खान की क्लोथिंग लाइन बी ह्यूमन का नया कलेक्शन जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए सलमान ने एक फोटोशूट भी कराया है। और दूसरी ये कि सलमान टाइगर को 2018 में लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, हम क्लियर कर देते हैं कि यहाँ हम सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे टाइगर की बात कर रहे हैं, जिसे सलमान अगले साल लॉन्च करने वाले हैं। इस बारे में खुद शेरा ने हमें बताया।